सतगुरु जय गुरुदेव नाम का प्रभु का पावन नाम हम सतगुरु जय गुरुदेव का कहना है परम सम सतगुरु जय गुरुदेव की वाणी है सतगुरु जय अनपमा छटा निराली गुरु की अंतर घटारिया शत गुरु ने दीना कोई घटना ही है खाली कोई घटना नाम भजन करो शत गुरु का दया कृपा है निराली दया सत गुरु ठाकुर प्रीतम अपनी शत गुरु शांत कृपालु शत गुरु शब्द भेद महाराज दीना कर चल चलो अटारी कर नाम की महिमा यहाँ पम पावन सत गुरु कृपा निराली निजायन भवयं तारमे हो नाम भज करो हाली दया निहार उतार सतगुरु की कोई घट रहे ना खाली हरी घाट है घाट के बीच अनुपम छटा निराली तुम भी आओ घाट के ऊपर प्रमानंद खुशहारी दया निहार पाओ
सदगुरु की दाता गुरु शांत कृपालु भेद जो तुम्हें बताया महामंत्र है आली जाप करो सब घट के बीते पहुँचो धर्म धारी पहुँचो गजन शिखर पर छत गुरु बैठे जिनकी मौज निराली नाम भेद के दाता स्वामी वही तो करेंगे रखवाली नीच का भेद हटाकर प्रेम करो सब भाई ये जग झूठा नरतना झूठा झूठ भक्म है दशाई सत्य नाम का भजन करो जो पहुँचो घर अपने जाई गुरु चरण में करो वंदना निज घट शीस झुकाई सत्य गुरु जय प्रेमियों ओ प्रभु दयानिधे कृपालु अनंत जिनका कोई अंत नहीं है उन्हीं को अनंत कहा जाता अनंत महाप्रभु का भजन समस्त मानव प्राणी जाति को करना चाहिए और सब में उस प्रभु की दया कृपा उतरती है किसी जात फिरके से कोई मतलब नहीं मतलब से तो उस प्रभु ईश्वर खुदा दाद से गुरु तब आप एकार्थ युक्त होकर के अपने अंतर मन में और आंख बंद करके ध्यान योग साधना भजन योग साधना सुमिरन योग साधना तुम करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी महिलाई कट जाएगी और
तुम्हें आत्मबोध आत्म ज्ञान होगा। ये आत्मबोध आत्म ज्ञान कौन करवाता है? परम संत तो पूरा का पूरा आत्मबोध आत्म ज्ञान करवाते हैं। और इसके अलावा किन सतगुरुओं किन महात्माओं की किन महापुरुषों की जहाँ तक पहुँच होती है वहाँ तक तुमको ज्ञान करवा देंगे। तो संतों की खोज करना मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। संत मिल जाए, नाम मिल जाए, हरि के दर्शन हो जाए, जीवन कृतार्थ हो जाए, प्रभु राम के दर्शन दर्शन हो। जीवन इसीलिए तो मिला है कि प्रभु का गुण गाएंगे, इबादत करेंगे, गुरुवाणी को पढ़ेंगे, याद करेंगे, रात की प्रार्थना करेंगे। यही सब के लिए मनुष्य जीवन मिला हुआ है। साथ ही साथ हम इस दुनियादी जो दुनिया है, संसार है, जो संसारिक काम है उनको भी करते चलेंगे बड़े सावधानी के साथ और बड़े सतर्कता के साथ। जब हम इस काम को करते हुए रोज नित प्रति प्रभु का भजन करेंगे तो धीरे धीरे वो प्रभु दयालु है, कृपा कर देगा, अंतर में दर्शन प्रसन्न होने लगेगा, आत्मबोध आत्म ज्ञान प्रकट हो जाएगा। आत्मबोध आत्म ज्ञान सतगुरु की कृपा से ही मिलता है। जो परमानंद सुख अंतर में आपको प्राप्त होगा, अंदर में प्राप्त होगा, जैसे स्वर्ग की कामना करते हैं, वैकुंठ की कामना करते हैं, शिवपुरी की कामना करते हैं, प्रभु राम आद्या महाशक्ति की कामना करते हैं कि हम उनके दर्शन करें और उनके निर्देश में निवास करें। तो जब संतों की खोज करोगे, संत महात्मा आपको नाम बताएंगे, उस नाम से लगन के साथ बैठ करके जब स्मरण ध्यान भजन गृहस्थ आश्रम में करोगे तभी तो कुछ प्राप्त होगा। बाहर से तो आप प्रार्थना पूजा पाठ सभी लोग करते हैं, पर जब भी आप कहीं भी मंदिर में, गिरजाघर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, तो बरबस की आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। जब तक आंख बंद हो करके आप करके मत्था नहीं टेकेंगे तब तक तुमको आत्मबोध नहीं होगा कि हमने प्रभु के सामने मत्था टेका। इसी तरह जो संत सतगुरु समझाते हैं वो अपने ही घर में रहकर की आवश्यकता नहीं। समय 24 घंटे की एक घंटा सुबह और एक घंटा शाम निकाल करके अगर उस प्रभु के लिए सच्चे मन से पूजा पाठ आरती विनती करती हो तो सारा का सारा काम संता चला जाएगा। आप गृहस्थ में रहते हुए अपने माता पिता की, देश की, समाज की, गांव की, साधुजन की, सबकी बात विचार की आप सेवा भी कर देंगे और समय बचा करके उस प्रभु का भजन भी कर लेंगे। कलयुग में रामायण में साफ साफ लिखा है कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतर है पारा। कलयुग नाम आधार है, बहुत सस्ता और बहुत सच्चा युग है। इसमें नाम आधार रखा गया है कि नाम भजन करके आप उस प्रभु को प्राप्त कर सकते हो। द्वापर में ऐसा नहीं था, त्रेता में भी ऐसा नहीं था। तो इस समय संतों ने नाम को जगाया, उस प्रभु को प्रसन्न किया और ये सरलता प्रदान की। तो समस्त मानव जाति को ये जो सरल मार्ग है संत महात्माओं से मिलता है। संत महात्मा इसको बताते हैं और ज्ञान की पुड़िया देते हैं,
ज्ञान की पूंजी भी देते हैं और साथ ही साथ तुम्हारी मदद भी करते हैं। वो अंतर में मिलते जुलते रहते हैं, बराबर मार्गदर्शन करते रहते हैं, दया दुआ बरसाते रहते हैं, फिर ये भी समझाते रहते हैं सत्संग में कि किस तरह तुम नाम भजन करके स्वर्ग में जाओगे, स्वर्ग के दर्शन करोगे, फिर किस तरह तुम वैकुंठ जाओगे, वहाँ पर वैकुंठ के दर्शन करोगे और शिवपुरी जाओगे, शंकर भगवान के दर्शन करोगे, आद्या महाशक्ति देवी के दर्शन करोगे, प्रभु राम के दर्शन करोगे, इस तरह नाना प्रकार की चीजों को जो भी प्रभु हैं, ईश्वर हैं, पूरी त्रिलोक की संरचना को पूरी चीजों को समझा करके वो बताते और सुनाते हैं। कर्तव्य यही है कि जब नाम मिल गया, गुरु की दया मेहर हो गई, तो हम कितना भजन करते हैं, गुरु के समर्पित प्रति कितना रहते हैं, ये तो अपने आप पर ही लागू होता है। और तुम गुरु से दोष निकालते हो, गुरु ने बताया तो आज तक कुछ हुआ नहीं। कहने का मतलब ये है तुम्हारे मन ने तुमको साथ दिया नहीं, मन लगा करके तुमने किया नहीं और घंटे तो बैठे रहे, बस ध्यान आपका अलग, कहीं मन अलग, चित कहीं अलग, बुद्धि कहीं अलग जा रही है, तो जन भजन ध्यान तुम्हारा कैसे है। गुरु से प्रार्थना करते कि हे मालिक, ये मन बुद्धि चित्त का मसाला ही आपका ही दिया हुआ है, क्या कृपा करके इसको रोक दो, हमारे बस की बात नहीं है, जो आपके श्री चरणों में लग जाए और अपनी पूरी पावर दो कि हमारे घर के पट खुल जाए। अब जब वो घर के पट को खोलने के लिए तैयार हुए, तुमको इंटरनेट के माध्यम से सूचना दी जाती है, फेसबुक के माध्यम से, फिर भी नहीं आना चाहते, ऐसे कुछ नहीं। वो तो गुरु जो अखंड रूप से विराजमान है, वो तो लेंगे क्या, और अब तक लिया तुमको ये किया और इसके ही आए, आपने क्या किया है, आपकी मैल तो अभी जाओ और लगन लगा करके तो मेरी तरफ से तो किसी को कोई रोक टोक नहीं कि आप वहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना, यहाँ मत जाना, यहाँ मत जाना। मैं तो सबका सेवादार हूँ और सबसे भी प्रार्थना करता रहता हूँ कि आप सब 10 बार नहीं तो कम से कम 1 बार आ करके जो तुम्हारे हिस्से की दया दुआ हो उसको ले जाओ और हमें भी सेवा का अवसर दो। जो परम पुरुष सतगुरु है उसकी दया दुआ कहीं से मिल जाए उसे प्राप्त करने में क्या हर्ज है। तुम्हारी इच्छा जहाँ जाते आते रहते हो, जाते आते रहो, सत्संग कहीं भी सुन लो, सत्संग तो गुरु का ही होगा। पर सत्संग भी कई प्रकार का हो, जो उच्च कोटि का सत्संग होता है वो तो संत ही सुनाता है। यह संत सतगुरु अपने बच्चे के घट में बोले हर उसको सुन करके अपने गुरु भाइयों को सुनावे। किताब रख करके या रटा रटाया गुड़िया पूरा सत्संग नहीं होता, वो तो गुरु गुरु की करती है, उनकी दया मेहर जब उतरेगी तभी तुम नित नई प्रार्थनाएं बोलोगे, उनकी किताब खुलेगी अंतर में, उनकी बाड़ी उतरेगी, वो सतपुरुष हैं, सतगुरु हैं, उनकी उतरेगी सब सारा काम और तुम्हारी हर प्रकार से रक्षा भी होगी और तुम्हें मुक्ति मोक्ष भी प्राप्त होगा। अगर आप सोचते हो कि हमने नाम दान ले लिया, बहुत बड़े कमाल का काम, हमने
महाराज जी को 10 लाख रुपए सेवा दी है, तो सेवा तो तुमने दी है धन की, तो धन बढ़ जाएगा। मन की सेवा का, जब मन तुम्हारा गुरु के चरणों में होता तब सच्ची सेवा होती। और अंतर में बैठ करके इस तरह नाम योग साधना बताई गई, उस तरह तुम नाम योग साधना करते तो तुम्हें अनुभव अनुभूति होती और दिखाई सुनाई ही पड़ने लगता। बोलने चलने के लिए तो कोई भी करता है, कुछ दिन सीखेगा, उसके सामने थोड़ा गलत होगा, फिर सही होगा, फिर गलत होगा, फिर सही होगा, और धीरे धीरे वो बोलने लगेगा। पर समझने की बात ये है कि उस सतगुरु की वाणी को सुन करके बोलना गलत की बात है। तो मेरे कहने का मतलब यही है, सतगुरु संत के चरणों में जाओ, वहां से जो अंतरवाणी उतरे उसको लिखो और उसी को पढ़ो और उसी से ज्ञान प्राप्त करो और अपने मुक्ति मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करो। ये मनुष्य मानव कुल जो जीवन तुमको मिला है ये अमोलक है, एक अमोलक दौलत है, बार बार ये नहीं मिलता। तो इसको सार्थक करने के लिए प्रभु ईश्वर का भजन करना अनिवार्य है। अगर आप प्रभु ईश्वर का भजन नहीं करेंगे तो आपने तो कॉल करार किया है कि अब प्रभु दया करो यही भांति सब तक भजन करब दिन राति, मुट्ठी बांध करके यही लेकर के आए थे और यही कॉल करार करके आए थे, यही संत महात्माओं ने बताया है और रामायण में सारा का सारा भेद लिखा हुआ है जिसको आप लोग पढ़ते भी। और संत सनातन हरि कथा दया निहर से हुए, जब वो सतगुरु की दया निहर होती है तो जिस जगह पर दया निहर उनकी होती है वहीं पर संत सनातन हरि कथा होती है, कहीं ऐसे नहीं होने लगती। वो तो उनकी दया कृपा बरसती है, उनकी मौत हो जाती है तो वो दया कृपा बरस जाती है। और जो किस लायक होता है ये किसी गुरुकुल में पढ़ने के लिए पाठशाला में बहुत से बच्चे जाते हैं तो क्या सब फर्स्ट डिवीजन ही नहीं पास हो जाते? डिग्रियां कई प्रकार की मिलती हैं और आपके सामने उसका प्रमाण भी है। उसी तरह संत सदगुरु के यहाँ जो उनके निज चरणों को देखता है, चरणों की सेवा करता है, मुक्ति मोक्ष मांगता है, बाकी कुछ नहीं मांगता, उस पर विशेष दया कृपा होती है। देते तो हर चीजें हैं, अगर भूखा है तो भोजन की व्यवस्था, पैसा नहीं है तो पैसे की व्यवस्था, कपड़ा नहीं है तो कपड़े की व्यवस्था स्वयं सतगुरु ही करवा देते और अब तक करते आए हैं, आज भी वो करवा रहे हैं, अपना काम पूरा का पूरा वो कर रहे हैं। समझ में तुम्हारी आवे ना आवे ये तो तुम्हारे मन बुद्धि चित्त की बात है। और संत सतगुरु तो सदा सर्वदा से समझाते ही आए हैं। गुरु महाराज ने तो साफ साफ कहा, कबीर बन के आया, दरिया बन के आया, दादू बन के आया, झीठा बन के आया, गोस्वामी बन के आया, अब भी समझा रहा हूँ, समझ जाओ बच्चू। पर आप लकीर के फकीर बने रहो उसके लिए कोई कौन क्या कर सकता? जब नाम भजन करोगे तभी कुछ मिलेगा, तभी अनुभव होगा, तभी दिखाई सुनाई पड़ेगा, तभी तुम अपनी किससे भी आपको नामदान मिला है उस सतगुरु के पास अपनी चिट्ठी भेज सकते हो। किससे तुमको नामदान मिलेगा वो तुम्हारा सतगुरु होगा, उसका नाम तो तुम नहीं ले सकते। अगर गुरु भाई है तो गुरु भाई भले ही नाम ले लेकिन सम्मान के साथ में नाम लेगा।
अपमान के साथ में कोई नाम नहीं लेगा, क्योंकि उसको अपमान पढ़ाया नहीं गया तो अपमान करेगा कैसे। इसलिए सम्मान ही किया जाता है, सम्मान बहुत बड़ी चीज है। अगर मान सम्मान नहीं मिलता कहीं पर तो लोग छोड़ करके चले जाते हैं। जबकि गुरु महाराज ने बताया मान और लोभ क्यों चाहे पड़ेगा भोगना हरना। अरे मान है और लोभ है, अहंकार है, काम है, क्रोध है, ये सब चीजें जो हैं इनको नहीं त्यागोगे तो प्रभु कैसे मिलेगा। तो प्रभु तो दयालु है, और ये भी साथ साथ प्रार्थना में लिखा हुआ है, सहस कमल दल चिन्ह में उतरे त्रिकुटि ले समारी, यह विनती गुरुदेव हमारी। शब्द है पूरे प्रमाण के साथ लिखा हुआ है कि कितने दयाल प्रभु राम है कि क्षण में उतर आते हैं, क्षण मात्र में दर्शन दे देते हैं। पर तुम एकाग्रचित हो, अपने सतगुरु की वाणी पर अटल तो हो और उस पर चलो तो तुम यही कहोगे कि अरे वहां से इस तरह का आ रहा है, ये सब तंत्र मंत्र है। अगर तंत्र मंत्र से ऐसा काम हो पाता, प्रभु राम के दर्शन हो जाते, विष्णु भगवान के दर्शन हो जाते, शिव भगवान के दर्शन हो जाते, तो अब तक बहुत लोगों को दर्शन हो गए होते। एक तरफ से लाइन लग जाती, पर ये तो संतों के दरबार में होता है। योगी त्रिकालदर्शी, ब्रह्मऋषि, पारब्रह्मदर्शी, स्थान के सप्तलोक धाम के स्थान के संत सतगुरुओं के पास ये विद्या है। और सनातन धर्म से जब से ये पृथ्वी बनी है और जब से यहाँ भारत भूमि धर्म भूमि है, यहाँ कितने द्वापर कलयुग त्रेता सतयुग आए और गए होंगे, पर संतों का सिलसिला बंद नहीं हुआ। हमेशा ही हमेशा धर्म का प्रचार प्रसार होता रहा, किसी भी माध्यम से और जिस माध्यम से जिस सदगुरु ने उस प्रभु को प्रकट कर लिया, प्राप्त कर लिया, उस नाम में पावर हो गई, तो उसी नाम को लेने से वो प्रभु प्रसन्न होते हैं। जैसे आप वंदना करते हैं, सब उपाय लिखी है, पर सबसे प्रभु है वही आत्मा से करनी चाहिए। सब भगवान की जय, सभी लोग सतगुरु कहीं होता है बताता हूँ, पढ़ाता हूँ और करवाता हूँ। गुरु महाराज जो ब्राह्मण से तक पता नहीं कितने प्रेम हो करवा दिया हो और पता नहीं कितने जीवों को दिया, अब उसकी गणना तो गुरु के ही पास है। हमारे पास तो कभी लिखाया नहीं कि भक्ति इतने को खाया, इतने को अनुभव हो रहा है। इशारे ने कुछ जरूर बताया है पर वो सब गुप्त चीजें, आगे क्या करेंगे वो तो गुरु महाराज ही जान सकते हैं और गुरु ही सर्वोपरि है। और जितने भी गुरु भाई बहन हैं, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो, सब तो गुरु का सम्मान करते हैं, कोई तो अपमान नहीं करता, सब गुरु महाराज को ही नमन करते हैं। उसके बाद में आपको सत्संग सुनाते हैं या जो कुछ भी दया दुआ देते हैं, वो सतगुरु को नमन करने के
सादगी करते हैं और इस समय प्रकट स्वरूप में संगत ही गुरु का स्वरूप है। हर घट में सतगुरु का निवास है और सतगुरु हर घट में विराजमान है। नाम उन्हें मिला है तो नाम के ही घट में गुरु विराजमान हो जाता है। तो तुम्हें समझना चाहिए, इस पे विचार करना चाहिए और अपने सतगुरु की घट में खोज करनी चाहिए। खोज री पिया को इस घट में, अपने पिया को अपने सतगुरु को घट में खोजो, वही सब पार ले जाएगा और सागर वही पार करवाएगा, हरि के दर्शन वही करवाएगा और उससे ऊपरी धामों में वही ले जाएगा, कोई दूसरा ले जाने वाला नहीं है। जब राम नाम की मरी तुमको मिल गई, वो 24 चारों तरफ आपके अंतर में उजियारा पैदा कर देती है, उसके दर्शन मात्र से जो है सारे शरीर में प्रफुल्लता आ जाती है। तो जब गुरु की दया कृपा हो जाएगी तुम पांचवें धाम पर पहुंचोगे और वहां पर जब दर्शन करोगे तो क्या अद्भुत आनंद आपको होगा और क्या परमानंद सुख आपको प्राप्त होगा, इसकी गणना कभी आपने की है और नहीं की है तो नाम भजन करो और सोचो कि हमें वहीं जाना है जहाँ को गुरु महाराज ने बताया है, जहाँ का भेद दिया है वहीं हमें जाना है और गुरु ही पार करेगा, कोई दूसरा पार करने वाला नहीं है। ना सतगुरु तो कोई पार नहीं हुआ, गुरु तो जाति के हैं, मानो हैं। जब प्रभु ने गुरु किया तो हमारे तुम्हारे भी गुरु होने चाहिए। तो सच्चा हो, सच्चा मार्ग बताता हो, उसी के पास आप चले जाओ और उससे दया दुआ की और नाम की भीख मांगो। जब वो प्रसन्न हो जाएंगे आपको नाम दे देंगे, सबका मिल जाएगा, अपने गृहस्थ में स्मरण ध्यान भजन करो, यही मानो जाति का कर्तव्य है। सत्य गुरु जय जय। परम पुरुष सत गुरु मेरे नानी, जिन्होंने भेद बतायो अंतर महिमा हुई सतगुरु की, नाम भजन मन गायो उना शत गुरु की चरण वंदना, नहीं को शीश झुकायो सत गुरु जय गुरुदेव। हे मालिक